हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर बायोलॉजी। शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का चल रहा था बीसीसी 2023 के लिए, नीट 2023 के लिए चल रहा था एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। जंतु जगत में एक संघ बताए थे पोरिफेरा। आज जो संघ हम बताने वाले हैं वो संघ है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया से। बात को समझिएगा बढ़िया से और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, हम बात करने वाले हैं सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया के बारे में। जी हाँ बाबू, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। देखिए, सिलेंट्रेटा वर्ग के जो जंतु आते हैं, जैसे पोरिफेरा, पिछले क्लास में बताए थे पोरिफेरा संघ के बारे में। तो पोरिफेरा संघ के जो जंतु थे वो किसी ना किसी आधार से चिपका रहता था, लेकिन वह कैसा था? जलीय था, समुद्र में भी था और कुछ मीठे जल में भी पाए जाते थे। लेकिन सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया संघ के जो जंतु है, इसमें जो आने वाले जंतु होते हैं, जैसे जंतु आता है फैसियोलिया जिसको बोलते हैं सीपेन, फिर ओवेलिया, फिर आपका हाइड्रा, फिर फंजिया, मेंड्रिया आता है। तो ये सारे जो होता है, जैसे फेसिला जो होता है, फेसिला और सीपेन, ये सब जो है, सीपेन मतलब समुद्री कलम जो होता है वो ज्यादातर समुद्र में ही दिखा दे, ये मीठा पानी में लवणीय जल में होता है। तो यानी कह सकता है कि सिलेंट्रेटा जो संघ है, सिलेंट्रेटा जो संघ है या नाइडेरिया संघ इसे कहते हैं। तो सिलेंट्रेटा संघ या नाइडेरिया संघ में जितने भी जीव आते हैं उस सब के सब जो है लगभग समुद्री जीव होता है। कैसा जीव होता है? समुद्री जीव होता है। देखिए, संघ तब बनाया जाता है जब किसी जीव का, जैसे हम लोग क्या है घर में रहते हैं तो एक संघ बनता है कि नहीं बनता है? संघ बनता है, फिर परिवार बनता है। तो सुनिए, संघ जो है, इस संघ के अंतर्गत 9500 जाति आता है। कितना आता है? 9500 जाति आता है। यानी सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया जो संघ होता है, चाहे तो सिलेंट्रेटा संघ हो या नाइडेरिया संघ हो, सिलेंट्रेटा संघ या नाइडेरिया संघ जो होता है इसमें लगभग 9500 जाति आता है। कितना जाति आता है? 9500 स्पीसीज को सिलेंट्रेटा संघ में रखा गया है। इसलिए देखिए, सिलेंट्रेटा कोई भी संघ होता है तो उसमें ढेर सारे स्पीसीज को, ढेर सारे जाति को रखा गया। तो नाइडेरिया हो या सिलेंट्रेटा, कितना जाति को रखा गया है? 9500 जाति को रखा गया है। तो नाइडेरिया संघ के में जितना भी जंतु आता है, जितना भी समुद्र जीव को रखा गया, जाति को रखा गया, उस सब के सब जो जीव होता है ना, मुख्य रूप समुद्री होता है और निम्न स्तर का, यानी निम्न स्तर का कहने का मतलब बहुत जो है छोटा जीव होता है, निम्न स्तरीय जीव होता है। क्या होता है बाबू? निम्न स्तरीय जीव होता है। यानी सिलेंट्रेटा संघ में जितने भी जीव पाए जाते हैं उस सब के सब जीव जो होता है निम्न स्तरीय होता है, या कह सकता है कि निम्न स्तरीय के साथ साथ बहुकोशिकीय, यानी जितना भी जीव पाया जाता है, जैसे समुद्री कलम, हाइड्रा, मेंड्रा, इस सब जो पाया जाता है समुद्री जो जीव है, इस सब के सब क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। और बहुकोशिकीय होने की वजह से इस जीव, यानी क्या होता है समझो, सिलेंट्रेटा संघ में जितने भी जीव आते हैं उस सब जीव क्या होता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय कहने का मतलब कि सिलेंट्रेटा संघ में जितने भी जीव आते हैं उस सब कई, उन सब का, उस सब जीव का शरीर जो है कई कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसे हम लोग का शरीर क्या है? कई कोशिकाओं से मिला, तो बहुकोशिकीय। तो उसी प्रकार से सिलेंट्रेटा संघ में जितने भी जीव आते हैं उनका जो शरीर है वो कई कोशिकाओं के मिलने से बना है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जंतु। यानी सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संघ में जितने भी जीव आते हैं वो क्या होता है? बहुकोशिकीय जंतु होता है। लेकिन बहुकोशिकीय तो होता है और उसके शरीर के अंदर एक प्रकार की गुहा पाई जाती है जिसको अंतर गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर गुहा कहते हैं। यानी एक जो एक प्रकार की कैविटी पाया जाता है उसको बोला जाता है अंतर गुहा। अगर इसके ये जो जीव है, मेंड्रिया है या हाइड्रा है या सीपेन, ओवलिया है या फंजिया, कोई भी समुद्री जीव है, अगर इसके हम शरीर की बात करें ना, तो इसका जो शरीर होता है, शरीर भित्ति की अगर बात करें, शरीर जो होता है, बॉडी जो होता है, दो स्तर में बटा होता है। कितने स्तर में? कितना लेयर में? तो यहाँ पे समझिए, इनका जो शरीर होता है दो लेयर में बटा होता है। कितना लेयर में? दो स्तर, यानी दो लेयर में बटा होता है। एक होता है एक्टोडर्म और दूसरा का होता है एंडोडर्म। यानी बाहरी जीव जो होता है, जैसे समुद्री है, ये मान लो ये जीव जो है, ये फिशियोला जो जीव है, इसके
इसकी अगर बात करें तो इसके जो है बाहरी की अगर परत की बात करें तो इसके बाहरी स्तर जो होता है एक्टोडर्म होता है, और इसके अंदर वाला जो स्तर होता है इसके अंदर वाले स्तर को बोलते हैं एंडोडर्म। यानी इसका जो शरीर भित्ति है, इसकी शरीर के जो स्तर है वो दो प्रकार के है, एक बाह्य स्तर यानी इक्टोडर्म और एक अंदर वाला स्तर एंडोडर्म। और ये बाह्य स्तर जो होता है और ये इंडो स्तर यानी बाह्य स्तर और अंदर वाला स्तर, ये दोनों स्तर जो होता है, ये दोनों स्तर के बीच में जो भाग पाया जाता है उस बीच वाले भाग को मेजोरगिलिया कहते हैं। यानी कह सकता है कि सिलेंट्रेटा संघ में जीव का जो शरीर है दो स्तरों से मिलकर बना हुआ, एक है इक्टोडर्म और दूसरा का है एंडोडर्म। तो इक्टोडर्म बाहरी वाला को, एंडोडर्म अंदर वाला स्तर को, तो बाहरी स्तर और अंदर स्तर ये दोनों के बीच में एक और स्तर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, मेसोगिलिया बोलते हैं, यानी मेसोगिलिया कहा जाता है। लेकिन अगर इसकी बात करें, इसके जीव की बात करें, तो देखिए ये जो फिसियोला जीव है इसमें किसी भी प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ना ही उत्सर्जन के लिए तंत्र इसमें पाए, उत्सर्जन के लिए कोई अंग होता है, और ना ही इसमें श्वसन तंत्र पाया जाता है। यानी कह सकता है सिलेंट्रेटा संघ या नाइडेरिया संघ में जितने भी जीव आते हैं उसमें परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र ये तीनों के तीनों नहीं पाया जाता। क्या इसमें उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र तीनों जो है सिलेंट्रेटा संघ के जीवों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात कर ले इसकी मुख का, तो देखिए इसमें अगर मान लीजिए कि इसमें भोजन की क्रिया करता है, तो इसमें भोजन की क्रिया करने के लिए एक जो होता है, देखिए ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये मुख है, ठीक है, और ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। इसको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं, यानी संस्पर्शक बोलते हैं। अब ये टेंटिकल्स जो होता है, संस्पर्शक जो लटका हुआ रहता है, इसका काम होता है जब ये चलता है ना, ये इसको बोलते हैं आर्म्स, यानी बाह, ये चलता है वहां से, तो जब ये चलता है ना तो टेंटिकल्स के माध्यम से, अरे देखो एक ठेठ भाषा में समझो, तेलचट्टा देखा है, तेलचट्टा के आगे दो फ्लेजला जैसा होता है, तो उसको अगर टच करके देखो तो क्या वो मुड़ जाता है कि नहीं मुड़ता है, तो यानी वो जो मान लो कि वो दोनों क्या है, टेंटिकल्स है, संस्पर्शक है, तो बिल्कुल वैसा ही टेंटिकल्स होता है, संस्पर्शक होता है, लंबे लंबे घना निकला हुआ मुख के चारों, इसमें सिर अलग से नहीं होता है, यानी कहा इसमें ना ही सिर होता है और ना ही गुदा पाया जाता है। इसमें सिलेंट्रेटा संघ के जीवों में ना सिर पाया जाता है ना गुदा पाया जाता है, समझ में आई बात। देखिए ये टेंटिकल्स है, इस टेंटिकल्स की सहायता से क्या करता है, जब आगे चलता है आर्म्स को, आर्म्स बोलते हैं, इसकी सहायता से चलता है तो टेंटिकल्स यह पता लगाता है कि आगे मेरा भोज पदार्थ है कि न है, उस सारी क्रियाओं का वो पता लगा लेता है कि मेरा आगे भोज पदार्थ है कि न है, ठीक है। तो यानी टेंटिकल्स का काम होता है शिकार को पकड़ना, अगर भोज पदार्थ रहता है तो वो उसको पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तो टेंटिकल्स का काम होता है शिकार को पकड़ना, भोजन की तलाश करना। इसमें अगर जब भोजन होता है, भोजन के लिए एक पाचन गुहा पाया जाता है, यानी पाचन गुहा इसमें जो होता है बिल्कुल एक थैला के समान होता है। पाचन गुहा जो होता है कैसा होता है, एक थैली नुमा इसके अंदर, यानी सिलेंट्रेटा संघ में जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें पाचन गुहा जो होता है, पाचन नली जो होता है एक थैली के समान होता है, एक थैली के जैसा होता है, ठीक है। अगर इसमें अलैंगिक जनन की बात करें कि इसमें जो सिलेंट्रेटा संघ है, सिलेंट्रेटा में अगर अलैंगिक की बात करें तो अलैंगिक जनन इसमें होता है, ठीक है। इसमें जनन की अगर क्रिया की बात किया जाए तो जनन की जो क्रिया होती है वो अलैंगिक होता है, अलैंगिक होता है, अलैंगिक कहने का मतलब चाहे तो इसमें मुकुलन के द्वारा हो, किसके द्वारा होगा, मुकुलन के द्वारा होगा, ठीक है। अगर लैंगिक जनन इसमें अगर होगा, अगर लैंगिक की बात करें तो लैंगिक जनन जो होगा वो होगा तो सबसे पहले इसमें लार्वा बनेगा, क्या होगा, लार्वा, तो लैंगिक जनन होगा किसके द्वारा, लार्वा के द्वारा, और अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, मुकुलन के द्वारा, कलिका के द्वारा, ठीक है। अब इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद मिटाते हैं, ले लो स्क्रीनशॉट, चलो वो वीडियो रोक करके ले लो, हो गया। चलिए आगे देखिए, अगर हम इसके वर्ग की बात कर ले, ठीक है, इधर लिखते हैं, अगर हम इसके वर्ग की बात करें कि इसमें जो वर्ग पाया जाएगा सिलेंट्रेटा संघ है, तो सिलेंट्रेटा संघ की अगर वर्ग की हम बात करें कि सिलेंट्रेटा संघ में कितने वर्ग आते हैं, तो सिलेंट्रेटा में तीन वर्ग आता है। पहला वर्ग आता है हाइड्रोजुआ, क्या होता है, हाइड्रोजुआ, ठीक है। दूसरा आता है, पहला होता है हाइड्रोजुआ, दूसरा का
साइफोजोआ, साइफोजोआ। और तीसरा होता है एंथोजोआ, एंथोजोआ। ठीक है, इधर समझिए, नीट का एग्जाम देना है आपको। तो सिलेंट्रेटा जो संघ है, सिलेंट्रेटा संघ में तीन प्रकार के वर्ग आते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के वर्ग आता है। पहला आता है हाइड्रोजोआ, दूसरा का आता है साइफोजोआ, और तीसरा का आता है एंथोजोआ। अब ये हाइड्रोजोआ क्या है, साइफोजोआ क्या है, एंथोजोआ क्या है, समझ लीजिए एक बार फिर से। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत कितने जाति? 9500 जाति। कितने जाति? 9500 जाति। सिलेंट्रेटा संघ के जीव क्या होते हैं? मुख्य रूप से समुद्री होते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के जीव जो होते हैं कैसा होता है? बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या पाया जाता है? गुहा पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अंतर गुहा बोलते हैं। इस सिलेंट्रेटा संघ के जीव का शरीर कैसा होता है? दो स्तर का, बाह्य स्तर एक्टोडर्म, अंदर वाला स्तर इंडोडर्म। बाह्य स्तर एक्टोडर्म और अंतर स्तर इंडोडर्म, दोनों के बीच में एक और स्तर पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मेसोगेलिया पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा संघ में परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। इस सिलेंट्रेटा संघ के जीव में सिर और गुदा नहीं होता है। सिलेंट्रेटा या नाइरिडिया संघ के जंतुओं में पाचन गुहा कैसा होता है? थैलीनुमा होता है। यह किस प्रकार का जंतु है? निम्न स्तरीय जंतु होता है। इसमें अलैंगिक जनन कैसा होता है? मुगलन के द्वारा। और लैंगिक जनन कैसा होता है? लार्वा के द्वारा। सिलेंट्रेटा संघ में कितने वर्ग आते हैं? तीन वर्ग आते हैं। कौन कौन आता है तीन वर्ग? वो आता, पहला आता है हाइड्रोजोआ, दूसरा का साइफोजोआ, तीसरा का एंथोजोआ। अब हाइड्रोजोआ के बारे में समझो, ठीक है। देखो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। जो भी है स्टूडेंट्स, क्या कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए, चलिए पहला आ जाइए क्या? हाइड्रोजोआ। चलिए हाइड्रोजोआ को समझिएगा बढ़िया से। पहला वर्ग कौन सा वर्ग चल रहा है? सिलेंट्रेटा का पहला वर्ग हाइड्रोजोआ। क्या चल रहा है बाबू? हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ, ठीक है। देखिए हाइड्रोजोआ जो है, हाइड्रोजोआ वर्ग में जो मुख्य रूप से आता है वो आता है हाइड्रा आता है, ओबेलिया आता है, बैलेला आता है और फैसेलिया आता है। साइफोजोआ में ऑरेलिया आता है। कौन सा जीव आता है? ऑरेलिया। और एंथोजोआ में जीव जो आता है वो आता है एडेमिसिया और गॉर्गोनिया, ये जीव आता है। अब यहां पर समझिए, यानी हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ वर्ग और एंथोजोआ वर्ग, ये अगर तीनों वर्ग की हम बात करें तो ये तीनों वर्ग में जितने भी जीव आते हैं उस सब के सब जीव जो होता है लवणीय होता है। लवणीय कहने का मतलब कि लवणीय जल में पाया जाता है। लवणीय जल कहाँ मिलेगा? समुद्र में मिलेगा। लवणीय जल में पाया जाता है। इस सब के सब तीनों वर्ग का जीव कहाँ पाया जाता है? लवणीय जल में पाया जाता है। लेकिन देखिए इस हाइड्रोजोआ की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजोआ में अगर जनन कोशिका की बात करें तो इसमें जनन अंग का निर्माण, जननांग का मतलब जनन अंग। तो इसमें अगर हाइड्रोजोआ वर्ग के जो जीव है इसमें अगर बात करें तो इसमें जनन अंग का जो निर्माण होता है वो होता है इपीडर्मिस, इपीडर्मिस, इपीडर्मिस की कोशिका से। किससे होता है? इपीडर्मिस की कोशिका से। किसका निर्माण होता है? जननांग का, हाइड्रोजोआ में। जबकि साइफोजोआ की अगर बात कर ले तो साइफोजोआ में जननांग का जो निर्माण होता है वो होता है गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिकाओं से, गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिका से, ठीक है। साइफोजोआ का जो निर्माण होता है जननांग का, तो साइफोजोआ के जननांग का निर्माण होता है गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस की कोशिका से। और तीनों के तीनों क्या होते हैं? जल लवणीय होते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो होता है, इसमें ये दोनों की अगर बात करें, सिर्फ ये दोनों का, तो ये और ये दोनों में जो होता है पीढ़ी का एकांतरण होता है। क्या होता है बाबू? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण जाता है, पीढ़ी का एकांतरण होता है। एकांतरण कहने का मतलब हो गया, एकांतरण का मतलब हो गया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का निर्माण होता है। लेकिन एंथोजोआ जो होता है इसमें पीढ़ी का एकांतरण होता है लेकिन जठर
जठर बाहनी के विखंडन से, ठीक है, जठर बाहनी के विखंडन से, यानी एंथ्रोजोआ वर्ग के जीव में जो पीढ़ी का एकांतरण होता है, अगर पीढ़ी के एकांतरण की बात करें तो एंथ्रोजोआ वर्ग के जीवों में पीढ़ी का एकांतरण जठर बाहनी के विखंडन से होता है, यानी इसमें एडेमिसिया पाया जाता है और गॉर्गोनिया पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो जीव पाया जाता है उसके जीव का जो शरीर होता है वो CaCO3+SiO2 से बने बाह्य कंकाल का स्त्रावण करता है। किसका स्त्रावण करता है? बाह्य कंकाल का स्त्रावण करता है, और उस बाह्य कंकाल को बोला जाता है कोरल। कोरल जो होता है ना, समुद्र में एक दीवार बनाने का काम करता है, जिसको कोरल बैरियर भी कहते हैं, ठीक है। समुद्र में एक दीवार बनाने का जैसा काम करता है, जहां ये रहता है उसको कोरल बैरियर भी कहा जाता है, समुद्री कोरल बैरियर। तो ये था आपका संघ सिलेंट्रेटा नाइरेडिया। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।